करके इन सभी जो घटनाओं को हम लोग जो देखते हैं, विश्लेषण करने का जो प्रयास करते हैं। एक महत्वपूर्ण जो उत्सव दक्षिण भारत में जो है आजकल में जो मनाया जा रहा है वो है बथुकम्मा। इसका नाम ही सुनकर के ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत में जो है से संबंधित है। बथुकम्मा उत्सव है, बथुकम्मा उत्सव है। और ये बथुकम्मा उत्सव की विशेषता है कि इसमें लोग फूलों का गोपुरम बनाते हैं और उसमें नृत्य और पूजा से संबंधित कार्य किए जाते हैं। दशहरा के आसपास इस त्यौहार का जो है आयोजन किया जाता है और ये मूलतः जो है तेलंगाना में और भी आसपास के क्षेत्रों में जो है मनाया जाता है। तो तेलंगाना जो है राज्य है, अगर स्टेट से इसको देखा जाए तो ये तेलंगाना के क्षेत्र में कई बार यहाँ से न केवल प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि मेंस के स्तर पर भी टिप्पणी लिखने को आ जाता है जो कि हाल फिलहाल में करंट में होता है। तो आप इससे संबंधित बेसिक जानकारी रखिए जिससे परीक्षा में आपको लिखने में आसानी हो। किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत जानकारी होना कोई जरूरी नहीं, लेकिन कम से कम सामान्य जानकारी आप लोगों को होना आवश्यक है। इसीलिए वर्तमान समय में जीके के स्थान पर जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन की जो है तैयारी कराई जाती है और उससे संबंधित ही प्रश्न पत्र परीक्षा में रखे जाते हैं और आपके पेपर का नाम भी जीएस 1 2 3 4 इस क्रम में होता है। तो बथुकम्मा उत्सव जो है तेलंगाना में जो है मनाया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक और पर्यावरण एवं जैव विविधता के क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण जो है घटनाक्रम और जानकारी प्रगति है वो यह है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के 2 क्षेत्रों को मिला करके टाइगर रिजर्व बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और ये दोनों जो क्षेत्र हैं गुरु घासी दास राष्ट्रीय उद्यान एवं तोमर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य है। तो ये जो है गुरु घासी दास राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पर ये केवल करंट से ही संबंधित प्रश्न नहीं है बल्कि इसके माध्यम से आपको जीएस के भी बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी हो जाती है। तोमर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य, मतलब ये दोनों छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, तभी सरकार के द्वारा इन दोनों क्षेत्रों को मिला करके जो है टाइगर रिजर्व बनाने की जो बात की जा रही है। कहां पर है वो जो है छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के द्वारा इसे जो है इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है और इन क्षेत्रों को मिलाकर के टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। यह छत्तीसगढ़ में है। तो यह इससे संबंधित एक करंट का भी सवाल आपको पता चलता है और दूसरा यह कि ये दोनों क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है यानी कि यह जो है भूगोल या पर्यावरण से संबंधित सवाल भी है बनता है जिसके बारे में आपको जानकारी हो गई। करंट अफेयर्स की तैयारी हाल फिलहाल दिन प्रतिदिन की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक्स संविधान से संबंधित कुछ प्रगति के क्षेत्र में जो भी घटनाएं होती हैं उनको हम लोग कवर करते हैं तो उससे हमारा जीएस का भी कुछ पोर्शन जो है मजबूत होता है, तैयार होता है। क्योंकि जीएस एक दिन में तैयार होने वाला विषय नहीं है, धीरे धीरे इसके बारे में हम सुनते हैं, जानते हैं, उसके बारे में एक समझ विकसित करते हैं और इसके आधार पर हमारी जीएस की तैयारी धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंचती है जहां और जिस स्तर की अपेक्षा जो है कंडक्टिंग बॉडी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी की होती है। तो कुल मिलाकर के ये जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तोमर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को मिलाकर के छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक टाइगर रिजर्व बनाने की जो है बात और प्रस्ताव को NCTA यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा जो है इसे मान लिया गया है, NTCA ने इसे स्वीकार किया है। अगली एक योजना जो है केंद्र में केंद्र सरकार के द्वारा जो है यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किया स्वामित्व योजना है। यह स्वामित्व योजना क्या है? स्वामित्व योजना वर्तमान समय में हर कार्य में हर क्षेत्र में जो है डिजिटली हर चीज को किया जा रहा है। तो ये संपत्ति के संदर्भ में जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड को बनाने के लिए जो है ये ई संपत्ति कार्ड जो है जारी करने से संबंधित जो है ये योजना है। ई संपत्ति कार्ड को जारी करने से संबंधित जो है केंद्र सरकार की योजना है। तो इससे संबंधित सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं यानी कि ई संपत्ति कार्ड के लिए जो है स्वामित्व योजना जो है प्रारंभ किया गया है। खेल की दुनिया में हम लोग चलते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है जारी किया गया है यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला का खिताब जो है क्रमशः जो है हरमनप्रीत सिंह
योम गुरजीत कौर, गुरजीत कौर को दिया गया है, महिला और पुरुष। इन्हें क्रमशः जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर के अंतर्गत जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला से संबंधित भी सवाल पूछे जाते रहे हैं, और जो कि इंटरनेशनली है सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला के खिताब है, तो यहाँ से भी सवाल जो है बन सकते हैं। ये भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जा रही है और पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, तो एक लेक्चर हम इस पर भी पूरी तरीके से जो फोकस्ड जो है बनाते हैं आप लोगों के लिए, और उसकी विशेषताएं क्या कैसे हैं। तो ये अल्फ्रेड नोबेल जो कि डायनामाइट इत्यादि खोजकर्ता भी थे, उनके जो है याद में और उनके द्वारा बनाए गए ट्रस्ट इत्यादि के आधार पर जो है पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 1921 से जो है ये बनाया गया है, 1901 से दिया जा रहा है, 1969 में आकर के इकोनॉमिक्स का भी जो है नोबेल पुरस्कार इसमें शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में जो है जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, शांति का नोबेल पुरस्कार ज़्यादातर पुरस्कार जो 2-3 लोगों को दिया जाता है उस वर्ष में, चूंकि विश्व के सभी देशों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की योग्यता की पहचान किया जाता है और उनके प्रयास के लिए उनको जो है एक उचित पहचान देने के लिए ये सारी चीज़ें जो है की जाती हैं। तो नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार भी जो है इस तरीके से जो है दिया गया है। तो इसमें मारिया रेशा और दमित्री मुराटो को जो है इस वर्ष का जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मारिया रेशा और दमित्री मुराटो, इन दोनों लोगों को शांति नोबेल का पुरस्कार 2021 का जो है दिया गया है। और सभी क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार की समय समय पर घोषणा हो चुकी है, तो इस पे भी एक फोकस्ड लेक्चर जो है हम लोग बनाएंगे। जो महात्मा पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है, महात्मा जो है पुरस्कार 2021, पुरस्कार से भी सवाल बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर जो है तैयारी होनी जो है आवश्यक है। लोटस पेटल फाउंडेशन को दिया गया है, उसके सामाजिक प्रभाव, सामाजिक क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जो है लोटस पेटल फाउंडेशन को जो है वो महात्मा पुरस्कार 2021 से जो है नवाजा गया है। अभी हाल में ही जो एक संयुक्त अभ्यास भी, सैन्य अभ्यास, समय समय पर अंतर प्रचालन क्षमता का प्रदर्शन और उसके क्षेत्र में एक विश्वास को कायम करने तथा बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों के द्वारा जो मिलकर के संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में अजय वारियर जो भारत और यूनाइटेड किंगडम जिसे ब्रिटेन कहा जाता है उसके मध्य में जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो है आयोजन किया गया है। अजय वारिया, अजय वारिया ये हो गया, अजय वारिया भारत और यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन के द्वारा जो इस तरीके से जो है की गई है। फोर्ब्स ने जो है भारत के अमीरों की सूची जारी की गई, तो निश्चित तौर पर इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। मुकेश अंबानी अभी भी लगातार 14 वर्ष से इस स्थान पर पहले पायदान पर, इस श्रेणी में पहले पायदान पर बने हुए, 2008 के बाद से वो लगातार इस क्रम में जो पहले स्थान पर जो बने हुए हैं। कुश्ती के क्षेत्र में चलते हैं जो कि खेल के लिए है, और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की तरफ से पहली बार किसी महिला ने रजत पदक जीता हुआ है, उसका नाम है अंशु मलिक। तो ये नाम है जो है अंशु मलिक। अंशु मलिक कुश्ती के क्षेत्र के जो है खिलाड़ी हैं, और ये पहली बार विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की तरफ से रजत पदक जीतने वाली महिला भी बन गई हैं। तो ये भी सवाल जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अंशु मलिक तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया और रजत पदक जीतने में जो है सफल रहे, और इस तरीके से ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की तरफ से रजत पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। तो यह थी जो है आज कल यानी कि हाल फिलहाल की घटी हुई कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम और प्रगति जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है महत्वपूर्ण है। कि करंट अफेयर्स को केवल करंट अफेयर्स के रूप में नहीं देखना चाहिए और ना ही केवल इसी रूप में तैयारी करनी चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ में आपको जीएस की पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि हमने जो है बीच बीच में पॉइंट आउट किया कि इस पॉइंट को भी अगर आप ध्यान में रखते हैं तो इससे न केवल करंट अफेयर्स बल्कि इससे जो है आपके जीएस की भी तैयारी होती है, क्योंकि जीएस एक बहुत बड़ा जो है एरिया होता है और यहाँ पे जो समझ हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो धीरे धीरे विकसित होती है विभिन्न घटनाक्रम में, विभिन्न प्रकार के मैगजीन पत्रिका किताबों को पढ़ने के साथ साथ। तो आज के इस संक्षिप्त लेक्चर में हम लोगों ने करंट अफेयर्स यानी कि विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम को कवर किया जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अगले लेक्चर में पूरा कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।